अब चलो ये वॉल्यूम ऑफ मोनो एटॉमिक गैस, हमारे पास पहले से ये मोनो एटॉमिक गैस है, उसका वॉल्यूम वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ दिया हुआ है। अब करना क्या है, इसमें पढ़ के पता चलता है, रेशियो ऑफ वर्क डन बाय द हीट अब्सॉर्ब बाय हीट व्हेन अंडरगो ए चेंज फ्रॉम स्टेट। अब हमने स्टेट चेंज किया, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में हमने स्टेट चेंज किया ए से बी, तो इस स्टेट चेंज होने में वर्क डन बाय द गैस एंड हीट एनर्जी ऑब्जॉर्ब, ये हमें कैलकुलेट करना है। चलो तो सबसे पहले वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इधर वर्क डन निकालने के लिए हम प्रोसेस आइडेंटिफाई करेंगे बीटी डायग्राम में, बीटी डायग्राम, पीबी डायग्राम, जो डायग्राम दिया हुआ है उससे वर्क कैसे निकालोगे, आइडेंटिफाई द प्रोसेस। चार प्रोसेस पढ़ के आए थे, चारों का वर्क डन का कॉन्सेप्ट अलग अलग है। अब जब प्रोसेस पता चल जाएगा तो वर्क डन निकल जाएगा, अब जब वर्क डन निकल जाएगा तो हमें हीट एनर्जी अब्जॉर्ब भी डायरेक्ट हमें फार्मूला पता है, फॉर एनी गैस हीट एनर्जी अब्जॉर्ब तो हमें मिल गया डेल्टा की इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी, दैट इज द हीट एनर्जी ऑब्जॉर्ब एट टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पी, लगा दिया हूं क्योंकि यहां पे दिया हुआ है प्यारे बच्चों प्रेशर, यहां से हमें निकालना पड़ेगा। चलो कॉन्स्टेंट प्रेशर पे इतना है, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे इतना हो जाता है, देखते हैं कौन सा लगता है। अब यहां अब आपको वीटी डायग्राम है, पहले से हमें पता है इसका स्लोप, देख रहे हो थीटा कांस्टेंट है, वी बाई टी कांस्टेंट है। आइडियल गैस इक्वेशन पीबी इज इक्वल टू, आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर दो, पीबी इज इक्वल टू एनआरटी, इसका मतलब ये हुआ कि वी बाई टी एनआर बाई पी ये कांस्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है मेरे प्यारे बच्चों वो कांस्टेंट होता है। अब ये थीटा कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन है, थीटा कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो पहले से ही कांस्टेंट था, प्रेशर भी कांस्टेंट होगा। अब प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो ये जो प्रोसेस होता है वो आइसोबेरिक प्रोसेस है, दिस इज द प्रोसेस। अब जब मुझे प्रोसेस पता चल गया तो मुझे वर्क डन पता चल जाएगा, क्या होता है भैया वर्क डन आइसोबेरिक प्रोसेस में, वर्क डन इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी, तो यह आ जाएगा प्रेशर कांस्टेंट है तो पी डेल्टा बी एन आर टी के इक्वल आ जाएगा। तो बेसिकली मैं वर्क डन और हीट एनर्जी डेल्टा की एट कांस्टेंट प्रेशर पहले से लिखा हूं, सही है, इसमें डिवाइड कर दूं तो यह आ जाएगा एन आर डेल्टा टी इज इक्वल डिवाइडेड बाई एन सी पी डेल्टा टी, तो एन टी डेल्टा टी ने डेल्टा टी को एन ने एन को, तो आर बाई सी पी, क्या ऑप्शन आर बाई सी पी के टर्म में है, नहीं, ऑप्शन एक प्योर नंबर के टर्म में है, तो प्योर नंबर के टर्म में निकालने के लिए मुझे और कुछ मेहनत करना पड़ेगा। मोनोएटॉमिक गैस है, देखो मोनोएटॉमिक गैस है तो मोनोएटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, जो हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली हम मुझे R की डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में इन सबको लिखना पड़ेगा। चलो सी बी हमें पता है कि सी बी इज इक्वल टू एफ आर बाई टू होता है, और सी पी इज इक्वल टू, सी पी इज इक्वल टू एफ आर बाई, क्या कर रहा हूँ भाई, पाप कर रहा हूँ यार बच्चों के साथ, आर एफ बाई टू प्लस वन होता है, ये सी पी माइनस सी बी इज इक्वल टू आर होता है। यहाँ से सारे डेटा आप निकाल सकते हो। अब मोनोएटॉमिक गैस है तो सी पी हमें चाहिए, तो सी पी यहाँ है, सी पी ये, तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए एफ की वैल्यू 3 आ गई, तो सी पी की वैल्यू आ जाएगी आर 3 बाई टू प्लस वन इज इक्वल टू फाइव आर बाई टू,